नमस्कार अच्छा आईसीटी सैटेलाइट की साइंस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये क्लासेज आज से प्रारंभ हो रही हैं और निरंतर चलती रहेंगी। ठीक है, इन क्लासेज में आज नाइन्थ क्लास यहाँ बैठी हुई है, तो नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर वन लेंगे और इस चैप्टर वन के साथ साथ सामान्य चीज़ें चलाएंगे हम कुछ दिन तक, तीन चार दिन तक। सामान्य जो जनरल हमें बातें पता होनी चाहिए विज्ञान के बारे में, और जिनसे हम जिसको विज्ञान का बेस कहते हैं, जिसे आधार कहते हैं, उस तरह की कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लूँगा इसके साथ ही। और अब आपको करना क्या है, जब आप विज्ञान की क्लास में बैठे हैं तो आप एक तो अपना रजिस्टर साथ रखें और पेन, ठीक है, जिससे क्या रहेगा यहाँ कुछ भी आपको जो लिखाया जाए उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप जिनको नोट कर सकें। नोट करने से आपको दोबारा से उनको आपके पास वो रिविज़न करने के लिए आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, और अगर आप रिवीजन कर पाएंगे तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक स्थायी रख पाएंगे। अगर आप उन चीज़ों का रिवीजन टाइम टाइम से कर रहे हैं, कोई भी हमारा बिंदु है आपको उस बिंदु को स्थायी रखना है, स्थायी का मतलब हमेशा के लिए उसको आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए उपयोगी बना के रखना है, तो आप उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन से क्या होगा, वो चीज़ें आपको स्थायी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विज्ञान, विज्ञान शब्द के बारे में बात करेंगे। देखिए, विज्ञान, विज्ञान आज मैं बात करूंगा यहां पर एक तो विज्ञान का, विज्ञान शब्द का शब्दार्थ, इसकी परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान शब्द का शब्दार्थ क्या होता है, शब्दार्थ परिभाषा और कुछ विज्ञान के उद्देश्य और सामान्य बिंदु। ठीक है, सामान्य बिंदु में जैसे बीच बीच में मैं यह परमाणु क्या होता है और कुछ तत्वों के नाम हमें भी, वो भी हमें याद रखने होंगे, तो कुछ तत्वों के नाम बता दूंगा आपको, उनके प्रतीक चिन्ह बता दिए जाएंगे, उनका परमाणु क्रमांक कितना है। जब परमाणु पढ़ेंगे तो परमाणु के साथ हमें एक चीज़ और पता चलती है कि परमाणु के अंदर कितने प्रकार के पार्टिकल्स हैं, कितने प्रकार के कण उपस्थित हैं। ठीक है, तो जो परमाणु में कण है वो भी, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो छोटी छोटी बातें हम साथ साथ चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाए और हम विज्ञान को ठीक से समझ पाए। तो देखिए, विज्ञान जो विज्ञान शब्द है ना, ये विज्ञान शब्द हमारे एक वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में एक शब्द आया हुआ है विज्ञानम, तो उस विज्ञानम से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो विज्ञानम शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, शब्द कौन सा था, विज्ञानम, संस्कृत का शब्द है ये, विज्ञानम जो शब्द है ना कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। तो ये जो शब्द है, यह शब्द संस्कृत भाषा का है, कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए विज्ञानम का, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए, V प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। ठीक है, लिखें आप इसको, इसको नोट कर लें, आप नोट करने लायक चीज है, V प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट, और इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु यो वातावरण में जो उपस्थित है, किसी भी वस्तु के बारे में हमें क्या लेना है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब उसको हमें प्रयोगों द्वारा सत्यापित करने के बाद उसका हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा, विज्ञान। तो दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको आप जल्दी से नोट कर लें।
उस साइंस के शब्द का शब्दार्थ, कि साइंस का जो हम शब्द लिख रहे हैं उसका शब्दार्थ क्या, हमें यह तो पता रहना चाहिए, हम विज्ञान पढ़ते रहे उस विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो बी प्लस ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ठीक है। तो हिंदी में तो हो गया विशेष ज्ञान, अब ये शॉर्ट में इसको रिवाइज कर दिया साथ ही साथ ही यहां पर मैंने विशेष ज्ञान, और अंग्रेजी में होता है साइंसिया, इसका मीनिंग होता है टू नो, ये लीजिए। अब इसको साइंसिया है, हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं साइंस, तो आप यहां पर चाहें तो सिर्फ साइंस शब्द लिख लें, साइंस मीन्स टू नो। हिंदी में अगर बोलूं मैं इसको तो जानना, ठीक है, साइंस। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, अब बात आती है परिभाषा की। अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे विज्ञान की, शब्दता शब्दार्थ हमने देख लिया, इसकी परिभाषा को वैसे तो एक निश्चित शब्दों में बांधना संभव नहीं है, ठीक है, एक निश्चित शब्दों की परिभाषा हम बना दें वैसा तो संभव है नहीं, क्योंकि विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विज्ञान बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देखो सामाजिक विज्ञान, समाज में भी विज्ञान है, इसलिए विज्ञान तो बहुत बड़ा शब्द है। अब हम क्या करते हैं कि एक सब परिभाषा, फिर भी हमें हमारे लिए परिभाषा की आवश्यकता तो है ही, तो हम एक परिभाषा देने की कोशिश करते हैं और हम एक सर्वमान्य परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषा, देखिए एक सर्वमान्य परिभाषा क्या दी जाएगी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के, देखो शब्द में यहां काम में लूंगा, क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, प्रयोग हो गए और उनका प्रमाण हो गया, वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये कुछ शब्द यहां पर मैं काम में ले रहा हूं जिनको कि आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि किन किन शब्दों का उपयोग करके इस विज्ञान शब्द की परिभाषा बनाई गई। तो सबसे पहले प्रकृति क्या है, देखो मैं यहां लिख देता हूं पहले, फिर इसको समझाऊंगा, अभी आप नहीं लिखेंगे। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, ठीक है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप लिखे नहीं अभी, समझिए पहले आप इसको। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, सबसे पहला शब्द है यहां पर प्रकृति। प्रकृति क्या है, देखिए
जब किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो वहां पर दो चीजें होती हैं। हमें किसी वस्तु का अध्ययन करना है, आप समझ लीजिए परिभाषा को, आपको हमेशा के लिए ये स्थायी हो जाएगी। देखिए प्रकृति के बारे में बता रहा हूं मैं, अध्ययन करना है किसी वस्तु का तो हम दो चीज लेते हैं, एक तो होती है हमारे पास वस्तु और एक होती है उसकी सराउंडिंग्स, ठीक है, वस्तु के चारों ओर की वस्तु, चारों ओर उसके वातावरण, जिसको हम वातावरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो वह वस्तु वो तो हो गई हमारे अध्ययन के लिए, अब उस वस्तु के अलावा जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, सराउंडिंग्स कहलाएगा। जैसे मैंने ये एक वस्तु ली और इसके चारों ओर जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, सराउंडिंग्स, ये तो होगी वस्तु और ये हो गया इसका वातावरण, ठीक है। तो इस वस्तु का तो हमें अध्ययन करना है, ये तो हमने अध्ययन के लिए चयन किया हुआ है, इसका तो अध्ययन हेतु चयनित, ठीक है। अब जिस वस्तु को हमने अध्ययन हेतु चयनित किया गया है वो तो कहलाती है वस्तु, उसका तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ बच गया वो सब है उसका सराउंडिंग्स, वातावरण, और ये सारी चीजें किसमें आती है, प्रकृति के अंदर, ठीक है। हम देखते हैं हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब क्या है, नेचर, ठीक है। जैसे मान लो आप इसका उदाहरण अगर मैं इसको देखा जाए, आपको मान लो आपको अपने आप प्रयोगशाला में गए, प्रयोगशाला में जाने के बाद आप एक पत्ती को ले गए साथ में और उस पत्ती का आपको अध्ययन करना है, वस्तु बना दी मैंने पत्ती, इस पत्ती का आपको अध्ययन करना है, तो ये तो पत्ती तो होगी आपकी वस्तु, अब इस पत्ती के अलावा चारों तरफ जो बच गया वो सब क्या है, वातावरण हो गया। अब इस वातावरण का इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रकृति। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब क्या है, प्रकृति है। तो हम किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रकार की वस्तु का अध्ययन किसमें करते हैं, विज्ञान में, तो वो तो हो गया प्रकृति। अब देखिए प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से क्रमबद्ध का मतलब समझिए यहां पर कि उसका अध्ययन आपको क्रम से करना है। जैसे मैंने पत्ती ही ली तो पत्ती का जब मैं अध्ययन करूंगा तो उस अध्ययन में मैं क्या देखूंगा कि ऐसे नहीं कि पूरी पत्ती का ही मैं एक साथ कर रहा हूं, नहीं, पत्ती को अलग अलग भागों में बांट लिया, ठीक है। ये इसका पर्ण ग्रंथ है, ये पर्ण फलक है इसके, ठीक है, ये मिडरिब है इसकी, ठीक है ना। तो अब और ये अलग अलग यहां पर इस तरह से साइड में रिब्स निकली हुई है, तो इसका अलग अध्ययन करेंगे, ये क्रमबद्धता कहलाती है। सबसे पहले हमने इसका अध्ययन कर लिया पर्ण ग्रंथ का, फिर हमने इसके फलकों का अध्ययन कर लिया, फलक पर्ण ग्रंथ किस प्रकार का है, पर्ण ग्रंथ यहाँ जो तना है वहां से ब्रेक हो रहा है या पत्ती के इस वाले पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसमें जाइलम फ्लोएम की स्थिति क्या है, जाइलम फ्लोएम उसमें किस प्रकार के हैं, सम्मोहन कैसा पाया जा रहा है, तो ये क्रम हो गया। तो यहां से क्या है कि हमने क्रमबद्धता स्टार्ट कर दी, सबसे पहले हम सिर्फ इसी का अध्ययन करेंगे और अगर हमारे पास कितनी भी पत्तियां हो उन सभी में सबसे पहले हम इसी बिंदु का अध्ययन, इसी पॉइंट का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले पर्ण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, फिर फलक, तो सभी पत्तियों पहले फिर फलकों का अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाती है क्रमबद्धता। मतलब जैसे आप गणित में देते हो ना, गणित में सबसे पहले हमने जोड़ना सीखा, फिर गुणा करना, फिर घटाना, या जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना, इस क्रम में हमने सीखा, तो ये जो क्रम हुआ वो एक वो कहलाती है क्रमबद्धता या क्रमबद्ध, ठीक है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, अब हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया, उससे जो निष्कर्ष निकले वो कहलाता है अर्जित तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित। ये बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान के लिए, आप कोई अध्ययन तो कर लें लेकिन उस अध्ययन को आपको प्रयोगों से प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो मैंने अध्ययन किया है, मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष इस तरह से प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है, आपको प्रयोग करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो आप ने कोई नई चीज की खोज करी, कोई नया पदार्थ खोजा, वो प्रयोगों द्वारा आपको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा कि ये पदार्थ नया है, तभी माना जाएगा। तो विज्ञान में सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि आप जो भी कोई नई खोज करते हो, कोई नया सिद्धांत बनाते हो, नया नियम बनाते हो, उसको आपको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करना ही होगा। और वर्गीकृत का यहां पर मीनिंग है कि वो
अलग अलग भागों में डिवाइडेड रहेगा, ऐसे नहीं पूरा एक पूरी चीज एक साथ ही बता दी, नहीं, अलग अलग चीजों में, ठीक है। तो वो कहलाता है वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब आप परिभाषा को लिख लें। तो ये तो विज्ञान की परिभाषा। अब इस परिभाषा के साथ देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? सूक्ष्मतम कण, ठीक है। पदार्थ का थोड़ा सा अलग पॉइंट चला रहा हूं मैं यहां पर, इससे थोड़ा हटके, जिससे कि आपको इसमें इंटरेस्ट बना रहे। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु, एटम, ये हम पढ़ चुके हैं। आप इसकी परिभाषा को, परमाणु की परिभाषा को आप पहले पढ़ चुके हो 8th क्लास तक, ठीक है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। और ये जो परमाणु होता है ना, इस परमाणु के अंदर जो रहने वाले जो कण होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। ये आपको आज ही याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं जब तत्वों के नाम लिखाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो जो परमाणु क्रमांक होगा उनका इनसे रिलेशन बताया जाएगा कि प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक का क्या रिलेशन है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के साथ द्रव्यमान संख्या का क्या रिलेशन है। तो परमाणु में तीन प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है अभी, ठीक है, हो गई। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम चैप्टर की तरफ ही। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है। परमाणु में तीन तरह के चीजें पाई जाती हैं, तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीजें मैं बेस बना रहा हूं किसके लिए, आप समझ जाएंगे बाद में। अब आती है बात, परिभाषा हो गई, अब आते हैं विज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, विज्ञान का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य तो है कि मानव जीवन को सुलभ बनाना। मानव जीवन को किस तरह से सुलभ बनाया जा सके, मानव अपनी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में किस तरह से ढल सके, उसकी उत्तरजीविता बढ़ सके, सबसे मुख्य उद्देश्य तो विज्ञान का यही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विज्ञान के जो उद्देश्य है ना, इनको मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो निर्माणकारी उद्देश्य और एक विध्वंसकारी उद्देश्य। तो निर्माणकारी उद्देश्यों का मैंने पहले बताया कि मानव जीवन को सुलभ बनाना, लेकिन एक विध्वंसकारी उद्देश्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे परमाणु बम बनाया हुआ है तो किस तरह से हानि पहुंचाई जा सकती है। तो उस तरह के उद्देश्य भी, तो हर चीज के दो पहलू रहते ही हैं। तो निर्माणकारी उद्देश्यों की हम बात करेंगे तो पहला उद्देश्य है इसका कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना और उसके पूर्ण रूप से व्याख्या करना, ठीक है। पहला उद्देश्य मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी व्याख्या करना। समझ गए? मतलब प्रकृति किस प्रकार से कार्य कर रही है। प्रकृति, आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो वहां कोई ना कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हमें खुद को ही लगता है कि कोई कमी रहेगी। आपने 8th क्लास में तैयारी अच्छी करी और आपने अच्छी ग्रेड लाने के लिए खूब मेहनत करी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई, आपको लगा कि मुझे A+ मिलना चाहिए था, वो A रह गया, तो कहीं ना कहीं कमी रह। लेकिन प्रकृति जब कार्य कर रही है
तो उसमें कमी नहीं रह रही। आप देखते हैं कि सूर्योदय एक निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, तो लगातार उसी समय पर सूर्योदय होता है, उसमें कोई कहीं कोई गलती नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह की पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूम रही है और वो निश्चित समय में चक्कर पूरा कर रही है, उसमें कहीं कोई कमी गलती नहीं हो रही, वो 24 घंटे पूरा करना है तो पूरा कर ही रही है, ठीक है, तो वहां कमी नहीं हो रही। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें कमी हो रही है। तो ये प्रकृति की जो कार्यशैली है, ये किस प्रकार से ये काम किए जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक क्रिया होती है बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, और क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, ये क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रिया के द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं और वो लगातार बन रहे हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये सब क्या है, प्रकृति की कार्यशैली है। तो इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है विज्ञान के द्वारा, तो ये विज्ञान के उद्देश्यों में आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप नोट कर लें, फिर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक यहाँ हम क्लासेस में क्या रखते हैं कि पहले हम आधा जो टाइम होता है हमारा 35 मिनट है, तो पहले आधे जो टाइम है वहाँ पर हम लगातार चलते हैं, फिर 1-2 मिनट का ब्रेक रहता है, फिर हम बाकी आधे टाइम में आगे क्लासेस चलती हैं। तो देखिए, प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी व्याख्या करना, उसकी पूर्ण व्याख्या करना, ठीक है। तो ये आप लिख लें। अब इसके बाद इसके अगले उद्देश्य, अभी छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे विज्ञान के उद्देश्य। तो पहला हमने देखा प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी व्याख्या करना, दूसरा है प्रकृति के नियमों को समझना, ठीक है, और नियमों को समझने के बाद उनकी हम व्याख्या करेंगे कि वो नियम, प्रकृति के जो नियम बनाए गए वो किस प्रकार से, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं हो रहे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सेकंड बिंदु हमारा रहेगा कि जो प्रकृति के रहे हैं, आप साथ के साथ लिख लें। अब प्रकृति के नियमों को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करके जानकारी प्राप्त करना। अभी आपको एक जानकारी होगी कि एक बिग बैंग थ्योरी चल रही है, एक बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, इस बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि एक गॉड पार्टिकल की खोज की जा रही है। आप इसको लिखेंगे बाद में, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। गॉड पार्टिकल, देखिए क्या माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए यह माना जाता है कि प्रारंभ में एक पार्टिकल था, एक
सूक्ष्म पार्टिकल था, एक सूक्ष्म कण था, उस कण के अंदर विस्फोट हुए, कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उस पार्टिकल को कहा जाता है गौर पार्टिकल, प्रारंभ में सबसे प्रारंभिक पार्टिकल। इस गौर पार्टिकल की खोज के लिए एक सिद्धांत दिया गया, बिग बैंग सिद्धांत। इस बिग बैंग सिद्धांत में यही है कि सबसे प्रारंभ का जो पार्टिकल था, अगर उसका हमें पता चल जाए कि वो पार्टिकल क्या था, तो हम इस ब्रह्मांड के निर्माण की पूरी थ्योरी को जान सकते हैं। तो इसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं लार्ज कोलोइडल हेड्रॉन नाम की एक, क्या है, एक उपकरण बनाया गया हुआ है, एक बहुत लंबी एक नली बनाई गई है, ट्यूब बनाई गई है, उस ट्यूब के अंदर ये प्रयोग किए जा रहे हैं और इस गौर पार्टिकल की खोज की कोशिश है, चल रही है। इसके द्वारा क्या पता चलेगा, इसके द्वारा जो प्रकृति के नियम है ना, उन नियमों का प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर पाएंगे कि प्रकृति ने जो नियम बनाए गए हैं वो नियम किस प्रकार से हम उनको प्रयोगों से प्रमाणित कर सकें। तो ये सारा काम उस प्रयोग के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। तो सेकंड आप लिखें, प्रकृति के नियमों को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करके जानकारी प्राप्त करना, ये विज्ञान का उद्देश्य। तीसरा है समाज में व्याप्त, बहुत इंपॉर्टेंट, विभिन्न रीति रिवाजों की समाज में व्याप्त विभिन्न रीति रिवाज नियम कायदे जो बने हुए हैं उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करके और समाज में जो व्याप्त भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो आप लिखें कि समाज में व्याप्त विभिन्न रीति रिवाजों की वैज्ञानिक व्याख्या करके, लिख रहे हैं आप, वैज्ञानिक व्याख्या करके इनके महत्व को समझना। अब देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज बने हुए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे। अब बहुत से आपने देखा होगा, कि कहा जाता है कि रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, और उसके लिए उसको रोकने के लिए उसको क्या है कि अध्यात्म के साथ उसको जोड़ दिया गया है, रोकने के लिए अध्यात्म से उसको जोड़ दिया गया, जिससे क्या होगा कि लोग वो काम ना करें। तो ये समाज में व्याप्त, और बहुत सारे रीति रिवाज, शादी विवाह में आप देखा होगा कि कुछ जो हमारे गोत्र होते हैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे गोत्र में शादी किया जाना। तो ये इन सब के बहुत वैज्ञानिक कारण है, सभी रीति रिवाजों के जो वैज्ञानिक कारण है उनको समझने की कोशिश करना और उनसे लोगों को जागरूक करना। अब मान लो कोई रीति रिवाज ऐसे ही है जो किसी काम की नहीं है, जैसे पहले चलती थी एक पर्दा प्रथा, कोई मतलब की नहीं थी तो उसको धीरे धीरे छोड़ा गया। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में जो वैज्ञानिक महत्व रखती हैं, जिनसे हमें लाभ हो रहा है, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना है और उनको लगातार बनाए रखना है, और जो लाभकारी नहीं है उनको भी वैज्ञानिक कारण के द्वारा खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हमने लिए, एक दो उद्देश्य वो अगली क्लास में लेंगे। इसके बीच में आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बताई थी, परमाणु और परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण। इसके आगे का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, और साथ ही आपको अगली क्लास में मैं विभिन्न तत्व, उन तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक क्या है, उनके परमाणु भार क्या है, वो जिनको आप साथ के साथ याद करते रहेंगे। ये चीज़ें हमें, कुछ चीज़ें हमें क्या होगा, याद करने में थोड़ा समय लगेगा, वो हमें याद हो जाएंगी तो हमें विज्ञान पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और वैसे भी आप क्लासेस जुड़े रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।